क्या आपने कभी हवा में उड़ने वाले सांप को देखा है जो कि हवा में उड़ते उड़ते ही अपना शिकार करता और है? क्या आपने कभी ऐसा सांप को देखा है जिसके पूंछ पर एक मकड़ी लगी होती है जिसका यूज ये अपना शिकार पकड़ने में करता है? और क्या आपने कभी दो मुंह वाले सांप को देखा है जो कि दुनिया का सबसे टेरिस्ट स्नेक है? आज के इस वीडियो में मैं दुनिया के तीन ऐसे स्नेक के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया में लाखों करोड़ों में एक है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टॉप 3 रेयरेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 3 पर है स्पाइडर टेड हॉर्न्ड वाइपर। गाइस नेचर के और आप एक चमत्कार को देखिए। ये सांप अपने पूंछ से जाल बनाकर शिकार को अपने जाल में फंसाता है। इस स्नेक के पूंछ पर मकड़ी बनी होती है जो कि दिखती बिल्कुल मकड़ी की तरह ही है। इस सांप को शिकार करना होता है तो ये सांप एक जगह पर बैठकर अपने पूंछ को हिलाता है और ये अपने पूरे बॉडी को स्टेबल रखता है। जैसे ही किसी पक्षी की नजर इसकी पूंछ पर पड़ती है उसे लगता है कि ये एक मकड़ी है जिसका शिकारी आसानी से कर सकता है। लेकिन उस पक्षी को ये पता नहीं होता है कि जिसका शिकार वो करने जा रहा है वहाँ खुद वही शिकार हो जाएगा। ये स्पाइडर टेड हॉर्न्ड वाइपर ज्यादातर शिकार अपना ऐसा ही करता है। और इस स्नेक की सबसे खास बात यह है कि यह एक पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है क्योंकि इसका कलर और स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का जो कि इसको छुपे रहने में मदद करता है। और ये स्नेक ज्यादा रियल होते हैं जो कि हरे भरे इलाके में देखने को मिलेंगे ही नहीं। ये स्नेक ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। नंबर 2 पे है डबल हेड स्नेक। गाइस मिलिए इस मेडुसा नाम के बेहद विचित्र सांप से जिसका जन्म क्लोरिडा में हुआ। यह सांप अपने आप में ज्यादा रेयर इसलिए है क्योंकि यह अल्बिनो प्रजाति का सांप है। ऊपर से इस सांप का दो सिर क्योंकि ये दोनों चीज इस सांप को बहुत ही ज्यादा कीमती और दुर्लभ बना देती है। ये दोनों सिर अलग से काम करते हैं और जबकि इनके शरीर एक ही होती और है और ये दोनों सिर अपना भोजन अलग अलग करता है और अलग अलग पानी भी पीते हैं और इनमें से किसी का खाना पहले खत्म हो जाता है तो ये एक दूसरे पर अटैक भी कर देते हैं। ये सांप दुनिया में इतने रेयर है कि इनकी कीमत मार्केट में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 1 पर आता है पैराडाइज प्लेइंग स्नेक। इस सांप का नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे और आपके माइंड में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे भाई सांप कब से उड़ने लगे? वैसे गाइस आपको कुछ बताने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। भले ये सांप आपको आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे बल्कि ये सांप आसमान में उड़ते नहीं है बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं और ये सांप ज्यादा दूरी के पेड़ पर आसानी से छलांग लगा लेते हैं। वैसे गाइस क्या आपने कभी सांप को उड़ते हुए देखे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।